हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू रघुवंश क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द ओल्ड मैन एंड द सी को, ठीक है, जिसको लिखा हुआ है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई पर्सनल टिप्स चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीसियस टाइम। सो तो हमारा आज का चैप्टर है दैट इज़ द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। और जैसा मैंने पहले बताया, इसे लिखा किसने, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है। आज हम इसके इंट्रोडक्शन को एंड इम्पॉर्टेंट जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक्चुअली मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि दिस नोवेला वॉज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया है ये नोवेला। यहाँ पर नोवेला लिखा है इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर मिसप्रिंट है या फिर टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि नोवेल और नोवेला का मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिख दिया है। नोवेल, नोवेलाज और शॉर्ट स्टोरी, तीन कैटेगरीज होती हैं स्टोरी की। तो सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्म होता है उसे हम लोग नोवेल बोलते हैं, उससे छोटा फॉर्म जो होता है उसे नोवेलाज बोलते हैं और सबसे छोटा जो होता है उसे हम शॉर्ट स्टोरीज बोलते हैं। और ऐसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, लाइक जो नोवेल्स होते हैं उसमें 60,000 से लेकर 1.4 लाख वर्ड्स होते हैं। नोवेलाज का जो वर्ड लिमिट होता है 20,000 से लेकर 60,000 वर्ड का, और शॉर्ट स्टोरी का जो लिमिट होता है वो 5,000 से लेकर 20,000 वर्ड का होता है, ठीक है। तो इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं लाइक कौन सा वर्क जो है किसी राइटर का नोवेल है, कौन सा नोवेला है और कौन सा शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। तो द ओल्ड मैन एंड द सी क्या है, एक नोवेला है जिसे कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है। द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज पब्लिश्ड इन 1952, और इसको जो पब्लिश किया गया था 1952 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके बारे में एक स्टोरी भी है जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेटिंग ऑफ प्ले अकर्स नियर क्यूबा, क्यूबा कंट्री जो है वहाँ पर पूरा का पूरा सेटिंग होता है, पूरा प्ले का जो इवेंट होता है उसी जगह रिवॉल्व करता है, उसी सिटी उसी कंट्री के आसपास रिवॉल्व करता है, ठीक है। उसके बाद फिर द स्टोरी वॉन द पुलित्जर प्राइज़, ये स्टोरी इतना प्रसिद्ध था, इतना पसंद किया गया लोगों के द्वारा कि इसे पुलित्जर प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 1953 को। और उसके बाद फिर व्हेन द ओल्ड मैन एंड द सी फर्स्ट अपीयर्ड इन द September 1, 1952, जब द ओल्ड मैन एंड द सी सबसे पहली बार राइटर्स के सामने आया 1 सितंबर 1952 को, तो इशू ऑफ लाइफ मैगजीन, एक्चुअली तो जो इशू था मतलब लाइफ मैगजीन एक मैगजीन था जिसमें जिसके एक इशू में लाइक एक एडिशन में द ओल्ड मैन एंड द सी को पब्लिश किया गया था, ठीक है। और ऐसा कुछ हुआ कि मिलियंस ऑफ पीपल स्टूड इन द लाइन एट न्यूज़ स्टैंड्स, जहाँ पर न्यूज़पेपर्स मिलते या लाइफ मैगजीन्स मिला करते थे, वहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग खड़े हो गए थे किस चीज़ के लिए, तो परचेज़ अ कॉपी, एक कॉपी परचेज करने के लिए, एक कॉपी खरीदने के लिए। किस चीज़ का कॉपी, तो द ओल्ड मैन एंड द सी वाला जो इशू था लाइफ मैगजीन का, उसको खरीदने के लिए, ठीक है। 53 लाख कॉपीज वेयर सोल्ड इन 2 डेज, सिर्फ 2 दिनों में 53 लाख कॉपीज सोल्ड किए गए थे। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा क्रेज़ था इस नोवेल का, इस नोवेला का राइटर्स के बीच में, और कितना ज़्यादा वो लोग वेट कर रहे थे इस चीज़ का। द ओल्ड मैन एंड द सी टेल्स द स्टोरी ऑफ सेंटियागो, सेंटियागो का एक स्टोरी है जो कि द ओल्ड मैन एंड द सी में जिसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। मेन कैरेक्टर कौन हो गया, सेंटियागो हो गया, ठीक है। एन एजिंग क्यूबन फिशरमैन, जो कि एक बूढ़ा सा फिशरमैन होता है, मछुआरा होता है, वो अलोन इन स्मॉल बोट फेसेस द मोस्ट डिफ़िकल्ट फाइट ऑफ हिज लाइफ, जो कि अकेले अपने ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट बैटल बोल सकते हैं, लड़ाई बोल सकते हैं, उसको फेस करता है अकेले अपने सिर्फ बोट में बैठकर, किसके खिलाफ, तो अगेंस्ट एन इनॉर्मस मर्लिन। एक मर्लिन जो है एक्चुअली ये मछली का नाम होता है जो कि बहुत ही डेंजरस, बहुत ही जायंट फिश होती है। उसके साथ अकेले जो क्यूबन फिशरमैन है, ओल्ड क्यूबन फिशरमैन है सेंटियागो, वो लड़ाई करता है और आखिर में जीत हासिल करता है। तो उसी पे पूरा का पूरा स्टोरी ये लिखा गया है। अब हम ऑथर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, हालांकि अर्नेस्ट हेमिंग्वे को इंट्रोडक्शन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे उनके लाइफ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं।
तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें जरूरी है मैं उसको समझा देता हूँ। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज बॉर्न इन ओक पार्क इलिनॉइस लाइक US, एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे। यहाँ से क्या पता चल गया, US यानी कि वो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे। ओक पार्क इलिनॉइस एक जगह है US में, यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1899 में हुआ था, एज ए सेकेंड चाइल्ड ऑफ क्लियरेंस हेमिंग्वे एंड ग्रेस हॉल हेमिंग्वे। उनके पेरेंट्स का नाम क्या था, क्लियरेंस हेमिंग्वे एंड ग्रेस हॉल हेमिंग्वे के सेकेंड चाइल्ड, दूसरे बच्चे के रूप में वो पैदा हुए थे। उसके बाद ही रोट पोएम्स एंड आर्टिकल्स फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर। जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे तो लाइक उस टाइम वो क्या करते थे, स्कूल न्यूज़पेपर के लिए पोएम्स आर्टिकल्स लिखा करते थे। एंड ही ऑल्सो ट्राइड हिज हैंड एट स्टोरीज, और बीच बीच में वो कभी कभी स्टोरीज पर भी अपना हाथ आजमा लिया करते थे। आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, हेमिंग्वे बिकेम अ रिपोर्टर ऑन द कैंसस सिटी स्टार। कैंसस सिटी स्टार जो है वो एक न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, उसमें वो एक रिपोर्टर का काम करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन। वेयर ही लर्नड द न्यूज़पेपर्स प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज, जहाँ पर वो क्या सीखते हैं, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज जो कि न्यूज़पेपर वाले स्टाइल में लिखा जाता है, लाइक बहुत ही ज़्यादा सरकास्टिक कभी लिखा जाता है, कभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लिखा जाता है, लेकिन लोग उस लाइन को पढ़े और उसकी तरफ जाए। हालांकि न्यूज़पेपर के जो सेंटेंसेज होते हैं ग्रामेटिकली बहुत ही ज़्यादा सही नहीं होते, लेकिन फिर भी डिक्लेरेटिव होते हैं नेचर में। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज का यूज़ जो है एक्चुअली अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने यहीं से सीखा न्यूज़पेपर के साथ काम करके। दैट वॉज टू परमानेंटली इन्फ्लुएंस हिज ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग, जिसने इस लर्निंग ने इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस को जब उन्होंने सीखा तो उनके ओन स्टाइल, उनका जो खुद का स्टाइल था उस पर बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ही सर्व्ड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर। ये जो एक्चुअली जो बंदा है, जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, बहुत ही ज़्यादा वेल नेचर का है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लोकप्रिय है लोगों के बीच में बिकॉज ऑफ हिज यू नो लाइक हॉस्पिटैलिटी। तो द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ था तो वो उन्होंने वहाँ पर एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर सर्व किया था, और एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर सर्व किया था, ठीक है, और वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे, वाउंडेड सोल्जर्स, उनको इन्होंने बचाने का काम किया था, उनको बचाने की कोशिश की थी। हालांकि ये भी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं उसी वॉर के दौरान, ठीक है, जिसके बाद इनको भी बहुत दिनों तक हेल्थ इशूज़ रहते हैं। इन 1954 हेमिंग्वे वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 1952 में, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर, 1952 में द ओल्ड मैन एंड द सी आया, ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी आया। और इसके ठीक दो साल बाद 1954 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज़ दिया गया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ओल्ड मैन एंड द सी का जो एक ओपनिंग था, ग्रैंड ओपनिंग जो बोलते हैं हम लोग, तो उसका इन पे बहुत ही ज़्यादा क्या रहा, इम्पेक्ट रहा, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया लिटरेचर के फील्ड में 1954 में, ठीक है। हेमिंग्वे कमिटेड सुसाइड ऑन July 2nd 1961। लेकिन दुर्भाग्य से होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो ओल्ड मैन एंड सी के राइटर हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे, वो कर लेते हैं सुसाइड 1961 में, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। रीज़न क्या होता है, तो रीज़न होता है एक्चुअली मेंटल हेल्थ इशू, ठीक है, मेंटल हेल्थ इशू होता है इनका कुछ रीज़न, मतलब कि उनके मेंटली जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं उस वक्त, और लास्ट में तंग आकर वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। मेंटली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नहीं होते वो, लास्ट में तंग आकर, इरीटेट होकर वो सुसाइड कर लेते हैं अपने इस डिजीज़ के कारण। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा द ओल्ड मैन एंड द सी का जो मेन कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है, ज़्यादा कैरेक्टर्स तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि बेसिकली एक जो पूरा का पूरा स्टोरी है, पूरा का पूरा जो नोवेला है, वो सेंटियागो और इस मर्लिन के ही आगे पीछे घूमता है। लेकिन फिर भी सेंटियागो जो था इसका मेन कैरेक्टर था, ये कौन है, तो ये है हीरो, ठीक है, ये क्या हो गया, हीरो हो गया हमारे नोवेल का। और ये जो मैनुलिन है, ये बहुत ही क्लोज होता है किसके, सेंटियागो के पास ये जाता है एज ए स्टूडेंट, सीखने की कोशिश करता है, इसको लगता है कि सेंटियागो इसे बहुत कुछ सिखा सकता है,
जबकि सैंडिएगो के बारे में पूरा का पूरा सोसाइटी में नेगेटिविटी फैली रहती है, क्योंकि 40 डेज लगातार सेलिंग करने के बाद भी इसे एक भी फिश पकड़ने को नहीं मिली थी। दैट मीन्स लोग इसे अनफॉर्चुनेट, इसे समझ सकते हैं आप, बदकिस्मत घोषित कर चुके थे पूरे के पूरे सोसाइटी में। लेकिन फिर भी मैनोलिन को लगता था, इसके मम्मी पापा ने इसको मना भी किया, लेकिन फिर भी इसको लगता था कि सैंटियागो जो है वो उससे ये कुछ सीखेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस की कमी नहीं थी सैंटियागो के पास में। बहुत ही अच्छा सेलर था, बहुत ही बहुत ही टैलेंटेड सेलर था, फिशरमैन था, और मैनोलिन ये जानता था, इसलिए इसके पास हमेशा रहता था और इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा करता था। हालांकि मैनोलिन के पेरेंट्स इसको मना भी करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है सैंटियागो। उसके बाद फिर एक छोटा सा कैरेक्टर इसमें आता है पेड्रिको का। पेड्रिको कौन होते हैं? तो एक्चुअली पेड्रिको जो हैं वो फ्रेंड होता है सैंटियागो का, और इसकी एक शर्त होती है, लाइक जब ये फिश पकड़ के लाएगा, बड़ी सी फिश, जाइंट फिश पकड़ के लाएगा, ठीक है, तो उसका जो सिर होगा इसको देगा, सैंटियागो इसको देगा, और इसके बदले में ये सैंटियागो की हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट कैरेक्टर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने बोला था लाइक मर्लिन है, जो कि एक जायंट फिश होती है, एक बड़ी सी मछली होती है, विशालकाय मछली होती है, जिसके साथ ये बेचारा जो एजिंग क्यूबन फिशरमैन है, ओल्ड मैन जो है, बूढ़ा आदमी जो है सैंटियागो, वो फाइट करता है और आखिर में जीत भी जाता है, अकेले फाइट करके जीत जाता है, एक छोटे से नाव से ये फाइट करता है नाव के साथ। सो एक्चुअली ये पूरा का पूरा स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, और इसका जब समरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ समझने को मिल जाएगा डिटेल में। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू।